Hey guys, welcome back to my channel Deep Biology. आज की वीडियो में हम फ्लावरिंग जीन मॉडल करेंगे. ये पार्ट टू है. पार्ट वन में हमने एबीसी मॉडल को कवर किया था, तो आज करेंगे हम एबीसीडीई मॉडल. इसमें यहाँ पे दो जीन ऐड हुई हैं, डी और ई. ये मॉडल करता क्या है? ये मॉडल जो फ्लावर होता है वो बताता है कि उसमें फ्लावर में जो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल हैं वो कौन से जीन से बन रहे हैं. तो इसमें एबीसी मॉडल से क्या ऐड होगा? जो ए और सी जीन है उसके नीचे हम क्या लगा देंगे? अपनी ई जीन. और डी जीन हम यहां पे लगा देंगे अपनी. अब डी जीन क्या है? उसका नाम है सीड स्टिक. और ई जीन है जो वो है सेपलेटा. अब सेपल कैसे बनेगा फ्लावर में? जब ए और ई जीन इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इस रीजन में हमारा क्या है? ए और ई खाली. पेटल वाले रीजन को हम देखते हैं, तो ये है हमारा पेटल वाला रीजन. इसमें कौन कौन सी जीन आई? बी जीन, ए जीन और ई जीन. इसका मतलब बी ए ई जीन जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो बनाएगा पेटल. अब स्टेमन वाले रीजन में क्या क्या है? बी जीन, सी जीन और ई जीन. इसका मतलब बी सी ई जीन इंटरेक्ट करके बनाएंगी हमारे स्टेमन फ्लावर में. और कार्पल में क्या होगा? जब सी जीन ई जीन इंटरेक्ट करेगी तो बनाएंगे हमारे कार्पल. लेकिन इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सी जीन भी है, ई जीन भी है और डी जीन भी है. इसका मतलब जब सी डी ई जीन होंगी तो हमारे कार्पल में क्या बनेंगे? ओव्यूल. अब कुछ म्यूटेंट हैं सेपलेटा के, कि सेपलेटा 1, 2, 3 म्यूटेंट होगा तो क्या होगा? तो उस केस में हमारा फ्लावर में केवल सेपल बनेगा. तो ये जो चार होल है इसमें, जैसे कि आउटर वाला क्या बनाता था वाइल्ड टाइप फॉर्म में, वो बनाता था सेपल. उससे अंदर वाला क्या बनाता था? पेटल. और फिर उसके अंदर था जो, वो बनाता था हमारा स्टेमन. और सबसे अंदर क्या होता था? कार्पल. लेकिन जब हमारा सेप 1, 2, 3 म्यूटेंट होगा तो इन सभी के सभी होल में क्या बनेंगे? सेपल. अब है दूसरा म्यूटेंट हमारा सेप 1, 2, 3, 4 म्यूटेंट. सेप 1, 2, 3, 4 म्यूटेंट क्या करेगा? जो फ्लोरल आइडेंटिटी है उसको लॉस कर देगा, तो उसमें फ्लावर बनेगा ही नहीं. और क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? लीव्स. फ्लावर की जगह हमारी लीव्स बन जाएंगी. उम्मीद है आपको फ्लावरिंग जीन मॉडल समझ आ गया होगा. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.